दोस्तों, आपने अक्सर ध्यान के बारे में सुना होगा, जिसे इंग्लिश में मेडिटेशन कहा जाता है। जिस भी महात्मा को आप सुनते हैं, उनके प्रवचनों में ध्यान का जिक्र जरूर आता है। आज हम समझेंगे कि आखिर ये ध्यान क्या है और किस तरीके से हम ध्यान या मेडिटेशन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक ध्यान लगाने के लिए आपके मन में परम शांति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके मन में तो बड़ा मकान बनाने की इच्छा हिचकोले खा रही है, या कोई फला फला कंपनी की बड़ी गाड़ी लेने का विचार आ रहा है और आप ध्यान में अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे विचारों के रहते आप कभी भी ध्यान में शांत मन से कभी नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए मनुष्य को अपने प्रतिदिन किए जाने वाले दैनिक कार्यों को अच्छे से पूरा करना चाहिए। इंसान को जैसे आपको अपने ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए नोट्स बनाने हैं, मगर आप सोचते हैं कि मीटिंग तो कल है, मैं आज शाम को घर पर जाकर ये नोट्स बना लूँगा, और शाम को आप जब घर पहुँचते हैं तो सोचते हैं कि चलो हाथ मुंह धोकर थोड़ा ध्यान में बैठ लिया जाए, और मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ, उसके बाद वो नोट्स मैं बना लूँगा। अब जब आप ध्यान या मेडिटेशन में बैठेंगे तो वो नोट्स घूम घूम कर आपके ध्यान में नाचते रहेंगे और आप सिर्फ अपने समय की बर्बादी उस समय कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो आपके अंतर की तरफ ना होकर बल्कि उन नोट्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। यहीं अगर आप वह नोट्स अपने ऑफिस में ही रेडी कर लेते तो शाम को आप आराम से ध्यान मेडिटेशन कर पाते। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को जो इंसान समय पर निपटा लेता है, वही इंसान ध्यान में भी सफलता हासिल कर सकता है। हमें अपने दैनिक कार्य करते करते उनमें आराधना का भाव रखना चाहिए। इससे भी आपको ध्यान करने में बहुत सहायता मिलेगी। अपने दैनिक कार्य करते समय हर वक्त आपके मन में भगवत भाव होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप सामने वाले इंसान के प्रति बहुत विनम्र हो जाएंगे और आप अपने हर काम को बड़ी आसानी से बिना किसी हड़बड़ी किए समय पर पूरा भी कर लेंगे। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि हमारा काम तो पूरा दिन कंप्यूटर पर रहता है और हमारा दिमाग हमें अपने काम पर फोकस रखना पड़ता है। जरूर रखो फोकस, किसने मना किया है, मगर यहाँ आप उस समय को क्यों भूल जाते हैं जब आप सुबह उठते हैं, वॉकिंग पर जाते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, और जब आप अपनी गाड़ी या बस से आप अपने ऑफिस पहुँचते हैं तो यह सारा समय ही आपका होता है। इस समय में आप भगवत चिंतन या उस परमात्मा के लिए अपने मन में गुणगान करें, ये सारा समय तो आपका ही है। और फिर ऑफिस में आप अपने काम पर फोकस करें, किसने मना किया है। ऐसे ही घर पर रहने वाली गृहिणियाँ और महिलाएं भी कर सकती हैं। जब आप कोई घर पर काम कर रही है तब आप भगवत चिंतन कर सकती हैं। उसमें आप कपड़े धोते समय, खाना बनाते समय, झाड़ू निकालते समय, किसी भी समय कर सकती हैं, मगर यह मन इतना जालिम होता है कि घूम घूम कर आपको दूसरे लोगों की बुराइयां और चुगलियां सुनाता रहता है। आप उन सब से बचें और अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, ताकि आप जब भी ध्यान में बैठें तो आपका चित्त हमेशा शांत स्थिति में रहे। फिर देखो, ध्यान में बैठने के आनंद की जो अनुभूति होगी उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उस आनंद की अनुभूति वही इंसान कर सकता है जो शांत चित्त होकर ध्यान में बैठता है। आपको अपने मन को हमेशा बुराइयों और गलत कर्मों से बचाकर दूर रखना चाहिए। इसको आप ऐसे समझे जैसे यदि कोई इंसान रेगिस्तान के बीच में फंस जाता है और तभी वहाँ धूल भरी आंधी चलने लगती है, आंधी शुरू हो जाती है, मगर वो इंसान अपनी आँखों को धूल के छोटे छोटे कणों से बचा कर रखता है। ठीक उसी प्रकार
हमें अपने मन को व्यसनों और बुरी आदतों से बचा कर रखना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय में कहा है कि जो इंसान हमेशा अपने मन में उस परमात्मा का विचार और स्मरण करता है, वही इंसान एक महान योगी बनता है और मेरी परम आनंद शांति को प्राप्त करता है। देखिए कितने प्यारे शब्द कहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यह योग ना तो अधिक खाने वाले से सिद्ध होता है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले से सिद्ध होता है, ना ही यह अधिक सोने वाले से और ना ही यह बिल्कुल ना सोने वाले से सिद्ध होता है। ये ऐसा योग है, ये योग तो सिर्फ उसी इंसान को प्राप्त होता है जिसका जीवन संतुलित है, जो समय पर अपने हर काम को पूर्ण करता है, जो इंसान जरूरत के हिसाब से सोता है और जो इंसान जरूरत के हिसाब से ही खाता है, वही इंसान इस परम आनंद शांति योग को प्राप्त कर सकता है। आपको बता दें कि जो इंसान ध्यान मेडिटेशन में बैठता है, उसे इस बात का बखूबी अंदाजा होता है कि शुरुआत में मन कभी किसी एक विचार पर भाग जाता है तो कभी दूसरे विचार पर चला जाता है। मन को कंट्रोल में करना वाकई में बहुत कठिन काम है। आप मानो या ना मानो, मगर मन की स्थिति बहुत हद तक शरीर और स्वास्थ्य पर भी निर्धारित रहती है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तब तक मन पर भी काबू नहीं पाया जा सकता है मित्रों। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ नहीं होगा तो आप ज़्यादा देर तक ध्यान की मुद्रा में नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि थोड़े समय बाद ही आपके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाएगा और आपका मन ध्यान की बजाय उस दर्द वाली जगह पर जा टिकेगा जहां आपको दर्द महसूस हो रहा है। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 6वें अध्याय में कम खाने और कम सोने पर जोर दिया है। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने शब्दों में कहा है कि भूखे पेट भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए पहले भोजन उसके बाद धर्म। भगवान बुद्ध ने भी कठोर तपस्या के बाद आहार के विषय में मध्यम आहार को सर्वश्रेष्ठ बताया है। मित्रों, इसका मतलब जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाएं। ऐसा करने से आपको ध्यान में बहुत ज़्यादा मदद प्राप्त होगी। इसी तरह ज़्यादा सोने वाला इंसान आलसी और अवसाद से भर जाता है, अवसाद से ग्रसित हो जाता है, और ना सोने वाला इंसान दिन भर ऊँघता रहता है और नींद के नशे में ही सारे काम करता रहता है। इसलिए इंसान को नींद भी एक निश्चित मात्रा में जरूर लेनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी मन और मस्तिष्क एकदम तरोताजा हो जाते हैं और इंसान के दिन भर के सारे काम वो बड़े आसानी से, बड़े आराम से कर सकता है। शरीर और मन को इस तरह से तैयार करके ध्यान में बैठने वाले इंसान का मन शीघ्र ही शांत और एकाग्र हो जाता है। यानी कि ध्यान में बैठते ही वो इंसान अपने मन को एक जगह पर एकाग्र और फोकस कर सकता है और वह है ध्यान। ध्यान की तरफ अपने मन को फोकस कर सकता है। ध्यान और भगवत चिंतन से आत्मा ज्योतिर्मय हो जाती है। इंसान की आत्मा और शरीर में एक दिव्य चमक आ जाती है, जैसी चमक आप सिद्ध संतों में देखते हैं, उनके ओजस्वी चेहरे की चमक। मित्रों, इस प्रकाश में आपको सर्वव्यापी परमात्मा की सत्ता का दर्शन होता है। यही ज्ञान लोक है, स्थिर, उज्ज्वल, एकाग्र। तो दोस्तों, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें, कम खाएं, निश्चित मात्रा में ही सोएं और आप ध्यान हमेशा करें, मेडिटेशन हमेशा करें, आप इस चीज़ को फॉलो करें। तो ये था पहला ध्यान पर वीडियो। तो इस तरीके से हम आगे आगे सीखते रहेंगे कि मेडिटेशन जो है कैसे किया जाता है, किन किन महान विभूतियों ने ध्यान के बारे में क्या क्या कहा है, हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और हम कैसे अपने जीवन को उज्ज्वल बना सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।